कार्यक्रम के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से एक लघु फिल्म का प्रसारण अब आपके समक्ष किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास के साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य का दृढ़ संकल्प लेते हुए प्रदेश के विद्यालयों में उत्कृष्ट शिक्षा, उपयुक्त वातावरण और आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जून 2018 में ऑपरेशन कायाकल्प का शुभारंभ किया गया। साथ ही शिक्षा के स्तर में विकास के लिए सितंबर 2019 में मिशन प्रेरणा की भी शुरुआत की गई। आज प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों की दशा और दिशा में बड़ा परिवर्तन आया है। विद्यालयों की यह सुखद तस्वीर और मन लगाकर पढ़ते लिखते बच्चे अपने बदलाव की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय में भी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रभावी रणनीति और दूरदर्शिता के कारण विद्यालयों में शुद्ध पेयजल, शौचालय, ब्लैक बोर्ड और टाइल्स जैसी 18 मूलभूत और बाल मैत्रिक अवस्थापना सुविधाओं से कायाकल्पित करने का कार्य कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निरंतर जारी रहा। बच्चे की शिक्षा की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार का ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत ई पाठशाला के माध्यम से डीडी उत्तर प्रदेश पर प्रत्येक दिन 4 घंटे के शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के साथ ही 1.5 लाख व्हाट्सएप ग्रुप्स द्वारा कक्षावार और विषयवार शैक्षिक सामग्री निरंतर उपलब्ध कराई जा रही है। शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए एक प्रेरणा लक्ष्य का निर्धारण किया गया था, जिसके मूल्यांकन के लिए प्रेरणा लक्ष्य ऐप की शुरुआत की गई। इस ऐप द्वारा शिक्षक और अभिभावक किसी भी समय छात्रों का निःशुल्क आकलन कर सकते हैं। इसी के साथ प्रेरणा सूची और प्रेरणा तालिका भी कक्षा में चस्पा की गई है। इस प्रेरणा लक्ष्य को हासिल करने के लिए कक्षाओं का रूपांतरण करते हुए कक्षाओं को शिक्षाप्रद पोस्टर्स और प्रिंट रिच सामग्री से सजाया गया है। प्रत्येक विद्यालय में बच्चों के लिए एक मैथ्स किट, एनसीईआरटी की पुस्तकों वाली लाइब्रेरी और रीडिंग कॉर्नर की व्यवस्था के साथ ही स्मार्ट क्लासेस की स्थापना भी की जा रही है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षकों के सहयोग के लिए 3 हस्त पुस्तिकाएं, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और क्रियान्वयन संदर्शिका भी उपलब्ध कराई गई है। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग लेसन, प्लानिंग कैलेंडर, टाइम टेबल, शिक्षक डायरी, प्रिंट रिच मटेरियल आदि की व्यवस्था भी की गई है, जिससे शिक्षण कार्यों में समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो रही है। ARP और SRG द्वारा शिक्षकों के नियमित प्रशिक्षण और सहयोगात्मक परिवेशन के लिए उनका अकादमिक सहयोग, अभिप्रेरण और क्षमता वर्धन किया जा रहा है। विद्यालयों को शैक्षिक,